हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज एक अनबॉक्सिंग करते हैं बहुत ही यूज़फुल आइटम की। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने पिजन का ये इलेक्ट्रिक कुकर ले रखा है। ये मतलब काफ़ी यूज़फुल है, तो इसकी सारी डिटेल्स मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है ये पिजन के। ये देखिए इस तरीके का, इसमें मतलब आप राइस बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, मतलब जो भी लिक्विड वाली आइटम है वो सारे आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है आपको। तो चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं इसका कवर निकाल दिया है, तो ये कुछ इस तरीके से आता है। तो चलिए मैं इसकी भी पॉलिथीन निकाल देती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ इस तरीके का इसका बॉडी है ये इलेक्ट्रिक कुकर का, और इसकी कैपेसिटी जो है ये है 1 लीटर की है। देखिए इस तरीके का है ये। तो चलिए अब इसमें दिखा देती हूँ मैं आपको कि आइटम कौन कौन से हैं। और ये देखिए, यहाँ पे स्विच दे रखा है, वॉर्म है, कुक है, इस तरीके से है। स्विच आपको ऑन ऑफ़ करना होता है इस तरीके से। अगर ये ऑन है तो ये कुकिंग चलती रहेगी, और अगर आपको ऑफ़ करना है तो इस तरीके से आप ऑफ़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक स्टील बॉडी का ये कवर दे रखा है इसमें। और उसके बाद देखिए, मेजरिंग कप दे रखा है यहाँ पे ये। और उसके बाद एक स्पैचुला है इसके अंदर, जिससे कि आपको ये चलाना है। आपको कोई और भी मतलब दूसरा मेटल नहीं यूज़ करना है, आपको ये वाला ही यूज़ करना है। अगर आप ये हीटिंग ऑन है तब आपको इसी का यूज़ करना है, और कोई भी स्टील या एल्यूमिनियम आपको इसमें नहीं लगाना, क्योंकि उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसलिए ये स्पैचुला दे रखा है, इसी से आपको चलाना है। और यहाँ पे देखिए कि ये इस तरीके की ये जाली दे रखी है, इसका भी यूज़ मैं आपको बताऊँगी कैसे यूज़ करना है। और एक ये देखिए अलग हो जाता है पूरा, ये एक पैन हो गया भगोने जैसा, इसी में रख के कुकिंग पूरी होगी। और इसमें देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेज़रमेंट भी दे रखा है। ये देखिए 1 लीटर तक का दे रखा है। तो मतलब इसमें क्या है कि मतलब 1 लीटर की ही इसकी कैपेसिटी है इस कुकर की। और चलिए अब आपको इस कुकर के अंदर का दिखा देते हैं पार्ट। तो ये देखिए, ये हीटिंग सरफेस है जिससे कि आपकी कुकिंग स्टार्ट होगी। ये सारा इस तरीके, ये फिक्स है, ये निकलेगा नहीं इसमें से, ये इस तरीके का पूरा फिक्स। और जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक गैस दे रखा होगा, जैसे ये हीटिंग होती है उसी तरीके का यहाँ पे दे रखा है। तो आपको सिंपली करना क्या है, ये जो पैन है ये आपको रखना है इसमें। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो जाली दे रखी है ये लगा रखना है। ये इसलिए आपको रखना है कि जिससे कि मतलब जो भी आपका राइस है वो जले ना। होगा क्या, नीचे वो जलने के चांसेस हो सकते हैं। आप चाहे तो बिना इसके भी बना सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा अगर आप इसको यहाँ पे प्लेस करके बनाएं। और आपको बनाना कैसे, अगर आपको मान लीजिए कि 1 कप राइस बनाना है, तो आप इससे मेज़र करेंगे। मैं एक आपको ऐसे जनरल बता रही हूँ, तो 1 कप आप ये राइस डालेंगे इसमें, और उसके बाद आपको 2.5 कप इसी से पानी डालना है इसमें। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको ढक देना है, और यहाँ से ये जो स्विच दे रखा है इसको आपको ऑन करना है, और यहाँ से सिंपली ये ऑन कर देना है। और ये जनरली और जैसे जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, जब टाइम हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसको ऑफ़ कर देना है। और इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी जल्दी राइस बन जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगता है। क्योंकि मेरे पास एक और भी राइस कुकर था जिसका मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। तो उसमें जनरली क्या होता था, अगर आप राइस बना रहे हैं तो वो 10 to 15 मिनट्स में बन जाता था ईज़िली। और बाकी दाल वगैरह है वो थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन जैसा कि कुकर में उतनी जल्दी नहीं बनती है, लेकिन उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। और इसमें क्या सावधानी आपको रखनी है कि ये जो कुकर है, ये जो मतलब भगोना इसमें दे रखा है, पैन दे रखा है, इसको आपको जब धोएंगे तो आपको कोई भी मतलब कि आयरन जैसे स्क्रॉच ब्राइट होता है, आप सॉफ्ट वाले से ही धोएंगे इसे। इसे आपको उससे नहीं धोना है, आयरन वाले स्क्रॉच ब्राइट से नहीं धोना है, इस बात का हमें इसमें ध्यान देना है। और बाकी चलिए दोस्तों, अब इसकी प्राइस की बात कर देती हूँ। तो ये मैंने परचेस किया था फ्लिपकार्ट से, और ये मुझे मिला था 1000 रुपीज़ का। लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है, जैसे उन बच्चों के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं, रात में उनका कुछ मन करता है बनाने का, तो उस केस में वो इस इलेक्ट्रिक कुकर को रख सकते हैं। होता क्या है, चाय वाली कैटल जो होती है वो तो सिर्फ आप उसमें टी बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि वो मैगी बना सकते हैं, राइस बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, इवन अगर वो चाहें तो इसमें कुछ डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
तो मतलब ये मल्टीपर्पज़ है, डीप फ्राई करेंगे तो बस इनको ये कवर नहीं लगाना है, सिंपली ऑयल डाल के वो इसमें फ्राई भी कर सकते हैं। तो मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा, जहाँ पे कहीं भी आप अब बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे गैस नहीं है तो उस केस में आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला प्लग तो आपको हर जगह ही मिल जाएगा। आप चाहें तो इसमें दाल बनाएं, एग बनाएं, कोई सब्जी बनाएं, सब बन जाता है इसमें, तो मतलब काफ़ी अच्छा है। और इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको भी पसंद आए तो प्लीज़ आप भी परचेस कर लीजिए। और गैस प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।